दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चिकन पॉक्स के ट्रीटमेंट के बारे में, जिसको हम चेचक और छोटी माता भी कहते हैं। ये क्यों होता है, किन कारणों से होता है तथा इसका क्या ट्रीटमेंट है, ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखें जिससे आपको इस चिकन पॉक्स के ट्रीटमेंट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे छोटे बच्चों में अगर चिकन पॉक्स हो जाती है तो उसमें क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे इसके कॉजेस के बारे में कि ये किन कारणों से होता है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो वेरिसुला जोस्टर्स एक वायरस होता है उससे पैदा होता है, और यह एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जिसको माता हो गई है, चिकन पॉक्स हो गई है, और उसके कॉन्टैक्ट में कोई दूसरा व्यक्ति भी आ जाता है, चाहे वो फैमिली का हो या बाहर का हो, तो उसको भी ये बीमारी हो जाती है। और ये जो बीमारी होती है चिकन पॉक्स की, ये छोटे बच्चों में ज़्यादा फैलती है, बड़ों में फैलती है लेकिन छोटे बच्चों में ये ज़्यादातर फैलती है। फ्रेंड्स, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं उनके बारे में अगर हम जानें तो इसके जो सबसे मेन सिम्टम्स होते हैं ये आप देख सकते हैं, बच्चों को फीवर आ जाता है, बुखार आने लगता है, और उनके जो शरीर होता है यानी कि जो बैक साइड होती है उस पर बहुत सारे रैसेस दिखाई देते हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा फेस पर हो जाते हैं और हाथों पर, पैरों पर ये छोटे छोटे स्पॉट हो जाते हैं, और ये बैक साइड फेस पर ज़्यादा होते हैं और पाँव पर। उसके अलावा शुरुआती में ये रेड कलर के होते हैं, उसके बाद ये वेसल्स एंड पस साइड्स के पर जाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा ये कन्वर्ट होकर स्कैबीज टाइप के ब्लैक में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसमें फीवर तो रहता ही, उसके साथ साथ बच्चों के सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, और सोर थ्रॉट यानी कि गले में खराश वगैरह की भी समस्या रहती है। तो ये इनके सिम्टम्स होते हैं। तो दोस्तों इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं जो अपनाने होते हैं अगर किसी व्यक्ति को ये चेचक की समस्या हो जाती है। उसको कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए, उसको आइसोलेशन यानी कि मरीज को एकांत में रखें, मतलब ज़्यादा भीड़ वाले इलाके में न रखें, एक कमरा उसको सेपरेट कर दें उसमें उसको रखें। उसके अलावा उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट एंड लिक्विड डाइट यानी हल्का भोजन देना चाहिए जो कि लिक्विड फॉर्म में हो, जिससे व्यक्ति को परेशानी ना हो। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो हमेशा याद रखने चाहिए। उसके अलावा इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्यतः 5 तरह की मेडिसिंस होती हैं जो चलती है। उसमें सबसे पहली है जो कि है दोस्तों ऑक्यूविर टैबलेट, ये ब्रांड नेम है। इसके अंदर एसाइक्लोविर होता है 200 mg, और ये बच्चे को हर 6 घंटे के अंतराल पर देनी चाहिए, यानी कि बच्चे को पूरे दिन में 4 टैबलेट देनी चाहिए। उसके अलावा क्योंकि जो ये चिकन पॉक्स होती हैं, जो स्पॉट्स हो जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और दर्द होता है, तो ऐसी कंडीशन में इचिंग के लिए 1 ऑल सिरप आती है जिसके अंदर लेबोसिटिन होता है, उसको 5 ml देना चाहिए, सुबह शाम भी दे सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चे को इचिंग नहीं होगी और वो बार बार उन दानों को खुजाएगा नहीं, जिससे और भी ज़्यादा जगह वो फैल ना पाए। देन इसके अलावा दोस्तों जो फीवर आता है उसके लिए डोलो 250 सिरप दे सकते हैं, ये भी 5 ml देना होता है सुबह दोपहर शाम, और इसके अंदर पैरासीटामोल होता है। और उसके अलावा एक सिरप आती है ऑगमेंटेन, ये आप देख सकते हैं, इसमें एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेविनिक एसिड होता है, ये भी 5 ml सुबह दोपहर शाम दी जाती है, जिससे बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है, जो उसमें पस सेल्स पड़ जाते हैं, जो जख्म हो जाते हैं, वो जल्दी से जल्दी हील हो सकें। उसके अलावा दोस्तों पूरी बॉडी पर जहाँ भी व्यक्ति को ये चिकन पॉक्स हो गए हैं उस पर लैक्टोकैलामाइन लोशन आता है, वो लोकली अप्लाई करना होता है, ये पूरी बॉडी पर जहाँ भी हैं उसको लगाना होता है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट होता है जो व्यक्ति को दिया जा सकता है, और ये पूरा ट्रीटमेंट 5 से 7 दिन तक चलता है, इससे व्यक्ति को जो चिकन पॉक्स की समस्या है वो ठीक हो जाती है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये सारी मेडिसिन है, ये ऑक्यूविर है, ये 1 ऑल सिरप है, ये ऑगमेंटेन है, ये लैक्टोकैलामाइन है, और ये डोलो सिरप है। तो ये आप देख सकते हैं ये सारा ट्रीटमेंट जो है चिकन पॉक्स में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।